जो तीन लोग समुद्र की गहराई में जाएंगे वो लगभग 12 घंटे तक इसमें रह सकते हैं, इसकी जो कैपेसिटी है। मगर अगर इमरजेंसी का मतलब ये है कि भारत या कोई भी देश दुनिया का, ब्लू इकोनॉमी का मतलब ये है कि समुद्र को, समुद्र के पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुंचाए बिना उसके उसके संसाधनों का, समुद्र के संसाधनों का उपभोग करता हो, संसाधनों का उपयोग करता हो। पृथ्वी पर फैला हुआ विशाल सागर, विशाल महासागर मानव के जिज्ञासा का और अध्ययन का विषय शुरू से रहा है। जी हाँ साथियों, और इन जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए अलग अलग प्रकार के जो देश हैं वो अलग अलग प्रकार के मिशन समुद्र की गहराइयों में पहुंचाते रहते हैं। भारत ने इस दिशा में एक कदम आगे बढ़ाया है, जी हाँ, और समुद्र की गहराई में मानव को पहुँचाने के लिए एक मिशन भारत ने पेश किया है या हमने उस पर काम किया है। साथियों, ये मिशन 2026 तक पूरा होगा। मगर क्या कुछ इस मिशन से संबंधित जानने लायक है और क्या होती है ब्लू इकोनॉमी, जिसकी चर्चा G20 के सम्मेलन में और साथ ही दुनिया में इस समय पर हो रही है, कौन सी ऐसी पनडुब्बी हमने बनाई है जो गहरे समुद्र में मानव को ले जाने का काम करेगी, ये तमाम बातें इस वीडियो में हम जानेंगे। तो वीडियो के अंत तक कृपया बने रहें और इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। नमस्कार साथियों, करियर पॉइंट सेक्सोलॉजी के हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, हम बात कर रहे हैं भारत के पहले गहराई में जाने वाले मानवयुक्त मिशन की। जी हाँ, यह है भारत का पहला महासागर मिशन, डीप ओशन मिशन, इसका नाम है समुद्रयान। जी हाँ, भारत के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने इसकी शुरुआत की है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। और इस मंत्रालय के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो 2021 से 26 तक, यानी कि 5 सालों के लिए ये मिशन तैयार किया गया है। इसका एक चरण हमने कंप्लीट कर लिया है। इस मिशन के तहत भारत पनडुब्बी के माध्यम से मानव पहुंचाने का काम समुद्री गहराई में करेगा। जी हाँ साथियों, ये है हमारा समुद्रयान, इंडियाज फर्स्ट मैन्ड ओशन मिशन, जो आप देख पा रहे हैं। 2021 से 26 के तहत हम तीन मानव को 2026 में एक पनडुब्बी के माध्यम से समुद्री गहराई में पहुंचाने का काम करेंगे। साथियों, इस मिशन के तहत कुल जो लागत आनी है वो 4077 करोड़, यानी कि 4070 करोड़ रुपए की लागत अनुमानित है जो इसमें आनी है। इस मिशन के तहत इसका प्रथम फेज यानी कि पनडुब्बी का निर्माण कार्य हमने कंप्लीट कर लिया है। 2024 में इसका परीक्षण होगा। 24 के बाद 26 में हम तीन लोगों को समुद्री गहराई में 6000 मीटर के अंदर समुद्री गहराई में पहुंचाने का काम करेंगे। जी हाँ साथियों, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का जो कहना है उसके अनुसार हम अगर देखें तो ये जो मिशन है ये देश का पहला प्रथम महासागर मिशन है जो गहराई में जाने का काम करेगा। और इस मिशन की अगर हम बात करें तो इस मिशन के तहत दुनिया की छठे नंबर का भारत देश बन जाएगा समुद्र गहराई में जाने वाला। इससे पहले अमेरिका, चीन, जापान, फ्रांस और रूस समुद्र गहराई में जाने की ताकत रखते हैं। भारत इस मिशन के सक्सेस के बाद छठे नंबर का देश बनेगा जो समुद्र गहराई में जाने का काम करेगा। जी हाँ साथियों, साथ ही भारत जब समुद्र की गहराई में जाने का काम करेगा, इससे भारत की जो ब्लू इकोनॉमी है, इस ब्लू इकोनॉमी को भी एक अच्छा पुश मिलेगा। साथियों, ब्लू इकोनॉमी जो है हाल ही में कोरोना के बाद चर्चा में आया एक शब्द है। ब्लू इकोनॉमी के तहत अगर हम बात करें आपसे तो साथियों, इस इकोनॉमी के तहत ऐसा कहा जाता है कि दुनिया में चूंकि 71% यानी 71% जो पानी है, महासागर है, ये महासागर दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं को एक ज़ोरदार पुश करने के लिए काफ़ी हैं। ये महासागर जो है किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए काफ़ी हैं। भारत उन सौभाग्यशाली देशों में है जो कि समुद्र से कहीं ना कहीं टच में है। हमें पता है भारत की जो तटीय रेखा है, तटीय सीमा है, तटीय सीमा जो है ये लगभग 7500 किलोमीटर की बनती है और 7500 किलोमीटर की सीमा के साथ तीनों ओर से भारत समुद्र से घिरा हुआ है। साथियों, ब्लू इकोनॉमी का मतलब ये है कि भारत या कोई भी देश दुनिया का, ब्लू इकोनॉमी का मतलब ये है कि समुद्र को, समुद्र के पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुँचाए बिना उसके उसके संसाधनों का, समुद्र के संसाधनों का उपभोग करता हो, संसाधनों का उपयोग करता हो और उपयोग करने के साथ साथ अपनी अर्थव्यवस्था में एक रोल प्ले उस समुद्र का करवाता हो। जैसे अगर मैं भारत के संदर्भ में आपसे बात करूं तो भारत की GDP का लगभग 4% जो है वो समुद्र के संसाधन ही इसमें शामिल होते हैं। 4% GDP में जिनका रोल है भारत की GDP को पुश करने के लिए, उसमें समुद्री जो संसाधन हैं उनका सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। साथ ही अगर बात करें कि दुनिया में या भारत के संदर्भ में अगर मैं आपसे बोलूं कि भारत का जो व्यापार है उसमें भी 95% जो हिस्सा है वो कहीं ना कहीं समुद्र का है। अगर मैं आपसे ब्लू इकोनॉमी की बात करूं, समुद्र से मिलने वाले खनिज इसके तहत आते हैं, समुद्र के जो तट हैं उन तटों पे जो ज्वारीय ऊर्जा है वो इसके तहत आती है। इसके अलावा अगर बात करें गहराई में जो अलग अलग प्रकार के जलचर हैं उनके बारे में जानना, उनके बारे में अध्ययन करना भी ब्लू इकोनॉमी में कहीं ना कहीं आता है। मत्स्य उत्पादन जो है, मछली प्रोडक्शन जो, फिश प्रोडक्शन जो है, ये कहीं ना कहीं ये भी एक महत्वपूर्ण सोर्स है
किसी भी अर्थव्यवस्था को पुश करने के लिए कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो। इसी के साथ साथ और तमाम चीज़ें ब्लू इकोनॉमी में आती है जो कहीं ना कहीं से प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से समुद्र से जुड़ी रहती हैं। कोरोना के बाद दुनिया में ब्लू इकोनॉमी के नाम से ये शब्द चर्चा में बना। कई सारे देश इसको परिभाषित अभी पूरी तरीके से नहीं किया गया है, मगर उसके बावजूद भी ब्लू इकोनॉमी को देशों की अर्थव्यवस्थाओं का एक प्रमुख जरिया माना जा रहा है। भारत अगर इसी ब्लू इकोनॉमी की बात करें तो इस ब्लू इकोनॉमी के सेक्टर में ही, क्षेत्र में ही एक कदम आगे बढ़ा रहा है। और एक कदम बढ़ाने के साथ साथ भारत ने लॉन्च किया है भारत का पहला महासागर मिशन जिसका नाम है समुद्रयान। जैसा कि मैंने आपको बताया, समुद्रयान 2026 में कंप्लीट होगा। 2026 में एक पनडुब्बी के माध्यम से, जिसको बना के हमने तैयार कर लिया है, उसके माध्यम से हम 3 लोगों को समुद्र की गहराई में 6000 मीटर में पहुंचाएंगे। जी हां साथियों, वो काम क्या करेंगे अगर मैं आपसे प्रश्न आपका अगर पूछते हैं तो, साथियों 3 लोग जो वहां समुद्र की गहराई में 6000 मीटर में जाएंगे, वहां इस मिशन के तहत 2 प्रमुख चीजें होनी है। पहली चीज कि उनका सफलतापूर्वक समुद्र गहराई में जाना और वापस आना, यह सबसे बड़ा चैलेंज है। दूसरी चीज, गहराई के अंदर जाने के बाद वो लोग समुद्र की गहराई में जो उपस्थित जो मौजूद खनिज हैं उनकी उपस्थिति का पता लगाने का प्रयास इसमें करेंगे। अब साथियों बात करें कि इस पनडुब्बी की अगर बात करें तो इस पनडुब्बी का नाम है, इस सबमरीन का नाम है मत्स्य 6000। इस पनडुब्बी का नाम है। अगर आपसे मेरी तरफ से ये कहूँ कि हमें पता है भारत में 18 पुराण हमारे प्रसिद्ध हैं, जिनमें सबसे प्रसिद्ध जो पुराण है वो मत्स्य पुराण ही है, जो भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार से संबंधित है। तो मत्स्य नाम से पनडुब्बी है जिसको 6000 नंबर दिया है, मत्स्य 6000, जिसका मतलब है मत्स्य वो पनडुब्बी जो समुद्र की गहराई में 6000 मीटर जाने का प्रयास करेगी। साथियों इसका निर्माण की अगर मैं बात करूं तो इसका निर्माण चेन्नई में हुआ है, और चेन्नई में जो हमारा संस्थान है महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि ओशन टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, उसने इसको बनाने का काम चेन्नई में किया है। इसका बनाने का काम कंप्लीट हो चुका है। जैसा कि मैंने आपको बताया, इसमें जो 3 लोग समुद्र की गहराई में जाएंगे वो लगभग 12 घंटे तक इसमें रह सकते हैं, इसकी जो कैपेसिटी है। मगर अगर इमरजेंसी के हालात बनते हैं तो उस इमरजेंसी के हालात में समुद्र की गहराई में ये पनडुब्बी 96 घंटे तक उनको संरक्षित सुरक्षित रख सकती है। ये इस तर्ज पे हमने इसको बनाया है। तो साथियों ये जो पनडुब्बी है टाइटेनियम की बनी हुई है, टाइटेनियम और मिश्र धातुओं से मिलके ये बनी हुई पनडुब्बी है जिसको भारत में ही चेन्नई में बनाने का काम हमने किया है मत्स्य 6000। इस पनडुब्बी को ही पहुंचाया जाएगा समुद्री गहराई में, समुद्रयान जो मिशन हमारा है, प्रथम मानव मिशन है भारत का इसके तहत। मेरे को यकीन है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।